नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आऊँ साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा कॉमेडी स्पोर्ट रोमांस थ्रिल पर बनी है फिल्में। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 6 पर आती 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा कॉमेडी रोमांस वाली फिल्म एला बैकुंठपुरामुलु, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम, सुशांत और निवेता पेथुराज के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो बंटू बड़ा होकर अपने पिता के तिरस्कार का शिकार होता रहता है। बंटू जो नहीं जानता वह यह है कि वह वास्तव में एक बिजनेसमैन का बेटा है जिसे वाल्मीकि ने अपने बेटे के साथ बदल दिया ताकि वह अपने बेटे को आरामदायक जीवन दे सके। एक हिंसक घटना बंटू को सच्चाई के करीब ले जाती है यह जानने पर कि वह अपने असली माता पिता के घर बैकुंठपुरम में प्रवेश करने का फैसला करता है और अंततः उन लोगों को सामना करता है जो उसके परिवार को धमकी देते हैं। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.3/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 84% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2021 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा और स्पोर्ट वाली फिल्म खो खो, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजेश विजयन, ममिता वेजी और वेंकटेश बीपी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो मारिया एक शारीरिक शिक्षा की शिक्षक है, स्कूल के होनहार लड़कियों की टीम को खो खो के खेल में प्रशिक्षित करने का मौका लेती है। ऐसा करते हुए वह अपने अधूरे सपने को पूरा करने की इच्छा रखती है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं फिल्म ऑफिशियली लेवल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.9/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 81% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती 2015 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी रोमांस वाली फिल्म शंकरा भारणम, और इस फिल्म को हिंदी में एनकाउंटर मैन 2 नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में निखिल, सिद्धार्थ, नंदिता राज और अंजलि के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म अमेरिका के एक NRI की कहानी बताती है जो दिवालिया होने के कगार पर है। उसे पता चलता है कि वह भारत में एक महल का मालिक है और उसे बेचने की कोशिश करने के लिए वह जाता है। हालांकि उसके आने पर उसका अपहरण कर लिया जाता है और फिर अधिक रकम के लिए एक गिरोह से दूसरे गिरोह में जाता रहता है। यहां से एक पागल सवारी शुरू होती है जो इसमें शामिल हर किसी को पूरी तरह से परेशान कर देती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.5/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 82% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी रोमांस वाली फिल्म सूर्यकांत, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राहुल, विजयन, परलीन, भेसानिया, निहारिका, कोनिडेला और सत्या के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पूजा से सगाई करने से पहले अभी उसे अपनी प्रतिबद्धता भयभीत पूर्व प्रेमिका सूर्यकांत के बारे में बताता है। हालांकि उनके नवोदित रोमांस को खतरा है जब सूर्यकांत अभी के जीवन में प्रवेश करता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.5/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 55% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा वाली फिल्म भूमि, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जयाम रवि, निधि अग्रवाल और रोनित रॉय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो भूमिनाथन नासा का एक अंतरिक्ष यात्री है जो मंगल ग्रह पर जाने से पहले तमिलनाडु में अपने सूखे से प्रभावित गाँव में लौटता है और अपने लोगों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बुरे कॉरपोरेट्स और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म
ऑफिशियली अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 77% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म 30 मार्खां। और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आदि पायल राजपूत, पूर्णा और सुनील के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक धोखेबाज पुलिस अधिकारी खुद को माफिया के एक सदस्य के साथ मुश्किल में पाता है और जब उसकी बहन और बहनों की हत्या कर दी जाती है तो चीजें बदल जाती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 75% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की वे 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।